Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best JS Tutorial. In this lecture we are going to discuss that how to create slope map in Google Earth Engine. आज हमारे इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि हम स्लोप मैप को किस तरह क्रिएट करते हैं कोडिंग के थ्रू गूगल अर्थ इंजन में. गूगल इंजन को ओपन करते हैं स्टार्ट से. यहाँ से हम न्यू टैब ओपन करते हैं और प्लेटफॉर्म पे जाके कोड एडिटर पे जाते हैं. ये गूगल इंजन का जो इंटरफेस हमें सामने नज़र आ रहा है इस पर हम काम करेंगे और स्लोप मैप के लिए हम कोड इसमें ऐड करेंगे और उस पर रन करेंगे कि हम किस तरह जो है गूगल इंजन पे काम करते हैं और किस तरह कोड को हम रन करते हैं. अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे, हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो आप गूगल अर्थ इंजन सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर देख लें कि हमने किस तरह गूगल इंजन के साथ खुद को फेमिलियर करना है, हमने किस तरह साइन अप करना है और हमने किस तरह इस पर काम करना है और हमने शिप फाइल को किस तरह इम्पोर्ट करना है. ऑलरेडी हमारे पास शिप फाइल इम्पोर्ट है गूगल अर्थ इंजन में. हम सीधे डायरेक्टली जाते हैं असिस्ट पे. असिस्ट पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी शिप फाइल क्रिएट करते हैं. इसका भी हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि हमने किस तरह शिप फाइल को इंपोर्ट करना है गूगल अर्थ इंजन में. सो हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट में. स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करने के बाद मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि हम यहाँ अपनी ज्योमेट्री को नेम चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट मैंने इसको नेम दिया रीजन ऑफ इंटरेस्ट. अब स्लोप मैप के लिए हमें एक सेटेलाइट इमेजनरी चाहिए, सेटेलाइट डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए हमें. तो यहाँ पर हमने सर्च करना है एस आर टी एम हमने सर्च करना है, क्लिक करना है एंटर. यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स के टाइप जो है सामने नज़र आएंगे. आप कोई भी डिजिटल एलिवेशन मॉडल पिक करें और उस पर काम कर सकते हैं इजीली. लेट सपोज हम इस पर काम करते हैं. इसका रेजोल्यूशन 30 मीटर है, इस पर क्लिक करते हैं. ये वाला इंटरफेस सामने ओपन हो गया. अब इसको एक्सपेंड करते हैं. यहाँ पर इसकी डिटेल प्रॉपर्टी चेक करते हैं. हमने ये कोड जो है यूज़ करना है स्क्रिप्ट में. इसकी डिटेल देखते हैं. यहाँ पर इसकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर मौजूद है. हमने जो भी कोड एडिटर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है हम ये यहाँ से पिक करेंगे और कोड एडिटर में इसको ऐड करेंगे, लेकिन हम मैन्युअली करेंगे. यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि हमने किस तरह जो इसको मैनुअली टाइप करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी एरिया. तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं. यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं. यहाँ पर हम एक फंक्शन ऐड करते हैं वेरिएबल के नाम से और उसमें हम डेटा सेट नेम देते हैं सैटेलाइट इमेजनरी डिजिटल एलिवेशन मॉडल को. ये वाला फंक्शन अब हमने यहाँ पे जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं. सिंपली मैंने यहाँ से कोड पिक किया ये वाला और उसको पेस्ट किया. स्टेप बाई स्टेप आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हमने किस तरह जो है ना गूगल अर्थ इंजन पे काम करना है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी स्टडी एरिया को क्लिप करना है एस सेटेलाइट इमेजनरी से. तो हम क्लिप का फंक्शन ऐड करते हैं. क्लिप और हमारा टारगेट लेयर जो है वो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम ऐड करते हैं. इंटर करते हैं. अब हमारा थर्ड स्टेप जो है हमने अपनी मैप को शो करना है, अपनी स्टडी एरिया को हमने डिस्प्ले पे विजुलाइज करना है. तो हम एक न्यू फंक्शन ऐड करते हैं मैप डॉट एड लेयर और हमारा टारगेट लेयर जो है वो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट. अब रीजन ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे रन करते हैं
इसको रन करते हैं, लेयर यहाँ पर शो रहा है कि ऐड हो गया। अब ये लेयर तो ऐड हो गया है यहाँ पर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस पूरे ग्लोब में हम अपनी स्टडी एरिया को फाइंड आउट कर सके, हम इसको मैनुअली सर्च करें इस तरह, इसको हम सर्च आउट करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन ऐड करते हैं, मैप डॉट सेंटर ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑब्जेक्ट में हम टारगेट करते हैं अपनी रीजन ऑफ इंटरेस्ट को। अब इसको हम रन करते हैं, अब देखते हैं और रिजल्ट में देखते हैं कि हमें अपना स्टडी एरिया जो है वो डिस्प्ले पे डायरेक्टली शो होता है कि नहीं। अब इसको रन करते हैं, अब ये हमें एग्जैक्ट उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पर हमारा स्टडी एरिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा स्टडी एरिया है, इस शिप फाइल पे हम ऑटोमेटिकली आ गए इसी एक फंक्शन की वजह से। ये हमने फंक्शन ऐड किया मैप डॉट सेंटर ऑब्जेक्ट, और हमारा टारगेट लेयर जो था वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट था। आप लोगों ने एग्जैक्टली फंक्शन इस तरह ऐड करने, कौन सा अल्फ़ाबेट आपने कैपिटल में लिखना है, कौन सा आपने स्मॉल में लिखना है, फंक्शन को आपने किस तरह ऐड करना है स्क्रिप्ट में, आप इसको अच्छी तरह समझे। ये देखें आप, इसमें ऑब्जेक्ट में ओ जो है ये कैपिटल है, अगर मैं इसको स्मॉल लिखूं तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इसमें एलिवेशन को हमने ऐड करना है। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो लेयर है, ये जो फंक्शन है, ये जो कोड है, हमने इसमें ये ऐड करना है, और हमारा जो टारगेट लेयर है वो हमारा डेटा सेट सेलेक्ट, हमने उसमें एलिवेशन करना है। इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो दो स्टेप हमारे रह गए, वो यहाँ पर हैं। हमने स्लोप आइडेंटिफाई करना है, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब हम इसमें मैप इज अ लेयर ऐड करते हैं, ये जो लास्ट वाला है, अब इसको रन करते हैं। लाइन 5 डेटा सेट इज नॉट डिफाइंड, अब देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक किया हुआ है। वेरिएबल डेटा सेट हमने यहाँ पर मैन्युअली क्रिएट किया और हमारा स्पेलिंग जो है वो डेटा SAT, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर ये है कि हमने डेटा सेट की स्पेलिंग में मिस्टेक की है, यहाँ पर मेजर मिस्टेक है। यहाँ पर डेटा सेट की स्पेलिंग आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, हमारा स्लोप मैप जनरेट हो गया। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कोड लिखते वक्त आप स्पेलिंग का ध्यान रखें, कि आप में से किसी से स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो जाए। तो आपने रिजल्ट देख लिया कि एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कोड रन नहीं हो रहा था। तो ये हमारा स्लोप मैप जनरेट हो गया। अब इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। डाउनलोड कैसे करते हैं उसका भी अपना स्क्रिप्ट है, वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको हम कलर कम्बिनेशन ऐड करते हैं कि हमने कलर कम्बिनेशन किस तरह ऐड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कराया आपको, तो इसको भी हमने ऐसे शो करवाना है। यहाँ पे स्लोप की लेयर पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर इसको पैलेटी में करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि हम इस पर एक नेक्स्ट लेक्चर में
हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि हमने पैलेटी को कैसे ऐड करना है और हमने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, ये कौन कौन से कलर हमने ऐड करने हैं। अब इसको स्ट्रेच करते हैं और पैलेटी ऐड करते हैं, आरजीबी में इसको शो करते हैं, ब्लू ग्रीन इसको ऐड करते हैं यहाँ से और रेड। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर दें। ये स्लोप मैप आपको आरजीबी में शो हो गया। अब सैटेलाइट पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने जस्ट सिंपली सैटेलाइट पे क्लिक करना है, तो ये सैटेलाइट पे यहाँ से ऐसे शो होगा। अब बिल्कुल भी एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है जहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में ऐसा दिखाया था। तो ये बहुत ही ईजी था कि हमने किस तरह स्लोप मैप को क्रिएट करना है यूजिंग गूगल अर्थ इंजन। इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक डिस्क्राइब करता हूँ कोड, आपने सेम एज इट इज़ वैसे ही कॉपी करके पेस्ट करना है। अच्छा, तो मैंने ये सारा फंक्शन ऐड किया यहाँ पर और इसको अब हम रन करते हैं। आपने सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन में आपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल डॉट आर ओ आई और रीजन में आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट आर ओ आई अपने लिखना है और स्केल जो है 30 मीटर रिजोल्यूशन। आपको नहीं पता कि आपके डिजिटल एलिवेशन मॉडल का रिजोल्यूशन क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रिजोल्यूशन कितनी है। तो अब हम इसको रन करते हैं यहाँ से और चेक करते हैं कि ये एक्सपोर्ट होता है कि नहीं गूगल ड्राइव में। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये यहाँ पर शो हो रहा है डेम आर ओ आई के नाम पे। इस पर रन पे क्लिक करते हैं और ये अभी टास्क इनिशिएट हो गया एक्सपोर्ट टू ड्राइव के लिए। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर टाइम हमें शो हो जाएगा कि हम कितने देर में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। जब ये सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर टिक मार्क इस तरह शो हो जाएगा, तो फिर हम इसको ड्राइव से डाउनलोड करके आरजीएस में या जिस सॉफ्टवेयर पे भी आप इस पर काम करना चाहते हैं आप इसलिए इस पर काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।